हाय दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आप लोग के लिए एक नया वीज़ा नई कंट्री के साथ लेके आए। ये वीज़े के बारे में जानने के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, बीच में वीडियो स्किप ना करें। अगर बीच में वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोगों को फुल डिटेल पता नहीं चलेगा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए आइए, बिना टाइम वेस्ट किए वीज़े के बारे में बात करें तो इसकी क्या डिटेल है, पूरी डिमांड जो है इसकी देख लेते हैं वीडियो में। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सऊदी अरबिया, इंटरव्यू 7 अक्टूबर को इसका इंटरव्यू है दिल्ली के अंदर, ठीक है। 7/10/2022 को है इसका इंटरव्यू दिल्ली के अंदर। ओनली ECNR कैंडिडेट एक्सेप्टेड, तो इसके अंदर जो है ECR पासपोर्ट नहीं चलेगा भाई, ओनली ECNR पासपोर्ट इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकता है इसका। दिल्ली के अंदर 7 तारीख को इंटरव्यू है, ठीक है। क्लाइंट इंटरव्यू है, ये ऑनलाइन नहीं है, CV सिलेक्शन नहीं है, डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू है। जिसको भी जाना है वो जाकर इंटरव्यू अटेंड कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर ट्रेड जो है वो मैं बता देता हूँ आप लोग को, क्वांटिटी और सैलरी तीनों बता देता हूँ आप लोग को ये वीडियो में। कारपेंटर 15 चाहिए, 1500 से 1700 सैलरी, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। कारपेंटर 15 चाहिए, 1500 से 1700 तक सैलरी है, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। दूसरी पोजीशन है बॉयल ऑपरेटर टेक्नीशियन, 2000 से 2500 सैलरी। मेडिकल गैसेस अपॉइंटमेंट टेक्नीशियन 2500 से 3000 सैलरी। इलेक्ट्रीशियन कंट्रोलर 1750 से 2500 SR सैलरी। इलेक्ट्रीशियन मीडियम वोल्टेज 1750 से 2500 रियल सैलरी है, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। सब कुछ भाई इसमें जो है डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। 1700 जो सैलरी है वो सैलरी आपकी कंफर्म है, मगर अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो 2500 तक भी सैलरी आपकी लग सकती है। वो क्लाइंट इंटरव्यू क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। हैंडमैन मल्टी स्किल 1500 से 2000 सैलरी। हैवी टेक्नीशियन 2500 से 3000 सैलरी। AC टेक्नीशियन 1750 से 2500 सैलरी। किचन लाउंड्री इक्विपमेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन 2500 से 3000 सैलरी। वेल्डर 1500 से 2000 सैलरी। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन 1750 से 2500 तक सैलरी। सब इसमें जितना भी क्वांटिटी सब 15 15 15 15 मांगा है इसमें, ठीक है ना। यही पूरा इसका डिटेल है, मैं इसका पूरा डिटेल आप लोग को पूरा सैलरी के साथ बता दिया हूँ। और इसका जो है क्लाइंट इंटरव्यू 7 तारीख को है, तो आप लोग जाके जो है क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। तो पहले आप लोग मेरे ऊपर PDF फाइल भेजिए, मैं आगे ट्रांसफर कर दूंगा और बंदे का नंबर भी दे दूंगा, आप लोग उससे डायरेक्ट ही बात कर लेंगे। और डायरेक्ट बात करके अपना उससे एड्रेस वड्रेस वो आप लोग को दे देगा और जाके आप लोग इंटरव्यू अटेंड करेंगे 7 तारीख को दिल्ली में, ठीक है। जो भी जा सकता है UP का बंदा, जो भी है, जो भी नगीच का या दिल्ली का जो भी बंदा है, वो अगर जाना चाहता है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसका मैं नाम भी बता देता हूँ कंपनी का, ये क्या नाम है, अल सलाम हॉस्पिटल सऊदी अरबिया। तो ये हॉस्पिटल का काम है भाई, ठीक है ना। और ये जो बंदा काम करवा रहा है, जो जहाँ बोलता है जितनी सैलरी बोलता है, जो कंपनी बोलता है वही कंपनी में बंदे जाते हैं। क्योंकि मेरा 3-4 बंदा ये भेजा, परफेक्ट भेजा है एकदम, जो कंपनी बताया वो कंपनी, जो सैलरी मिली है और जो भी सर्वे ये ड्यूटी पूरा कर परफेक्ट मिलता है भाई, जो बताता है और दिलाता है ये। तो ये अल सलाम हॉस्पिटल का काम है दुबई, अरे ये सऊदी के अंदर अल सलाम हॉस्पिटल सऊदी अरबिया, तो सऊदी के अंदर ये हॉस्पिटल है, तो उसी के अंदर ये काम, इतने रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो भाई अप्लाई कर सकता है, फटाफट करें क्योंकि 7 तारीख को इसका इंटरव्यू है। तो इसमें जाके आप लोग ट्राई करिए, इसमें जो है जिसके पास ट्रेड है और अच्छा उसके पास नॉलेज है उसका इसमें आराम से हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई वैकेंसी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए। ओके बाय।